तो कुछ बड़ी अपडेट्स हैं WWE के बारे में, तो हम इस वीडियो में बात करते हैं रिटर्न्स के बारे में। तो माना जा रहा है कि हमें रेसलमेनिया से पहले 3 बड़े सुपरस्टार की रिटर्न्स देखने को मिल सकती हैं आने वाली रॉ और स्मैकडाउन में। ये रेसलर सभी के पसंदीदा रेसलर हैं और इन्हें काफ़ी समय हो गया है WWE को छोड़े हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डीन एम्ब्रोस की। जी हाँ, डीन एम्ब्रोस को एक टैग टीम मैच के दौरान शोल्डर इंजरी हुई थी और उसके बाद वो हमें कभी भी WWE में दिखाई नहीं दिए हैं और अब रिपोर्ट आ रही है कि उनकी शोल्डर इंजरी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अब वो ट्रेनिंग करने के लिए परफेक्ट हो चुके हैं और कुछ ही समय में वो हमें रेसलमेनिया से पहले WWE में दिखाई देंगे और फाइट करते हुए भी दिखाई देंगे। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की ओर, जेफ हार्डी। जी हाँ, जेफ हार्डी भी हमें WWE में वापसी करते हुए दिखाई देंगे। उनका भी सेम ही रीजन था, वो उन्हें भी शोल्डर इंजरी हुई थी जब वो सेवडन बॉम्ब दे रहे थे और उसके बाद भी वो हमें WWE में दिखाई नहीं दिए हैं। अब उनकी रिपोर्ट आ रही है कि वो अब बिल्कुल ठीक हैं और वो जल्द ही WWE को ज्वाइन करेंगे और वो हमें ब्रदर नीरो के स्टाइल में भी दिखाई दे सकते हैं मैट हार्डी के साथ। तो उनकी रिटर्न रेसलमेनिया से पहले ही होने वाली है। तो थर्ड अपडेट की ओर बढ़ते हैं हम दी एनिमल बतिस्ता की। आप सभी को पता है कि वो रेसलमेनिया 30 को लॉस करने के बाद हमें उन्होंने ट्रिपल एच से एक मैच मांगा था डेलिवरेंट के अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने कोई मैच नहीं दिया और इससे नाराज होकर वो WWE को छोड़कर चले गए। और अब वो जिम रोज की रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि वो WWE को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी फुल टाइम के लिए, और रेसलमेनिया एक परफेक्ट टाइम होगा उनके लिए और वो अपना मैच ट्रिपल एच के अगेंस्ट लगवाना चाहते हैं और उनका मैच रेसलमेनिया में हमें देखने को मिल सकता है ट्रिपल एच के अगेंस्ट। तो ये बहुत बड़ी रिटर्न होगी WWE की और इससे WWE को अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप और किन किन रेसलर की वीडियो रिटर्न्स देखना चाहते हैं रेसलमेनिया से पहले, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सी यू फ्रेंड्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।